ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेति। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम विभिन्न किस्म की मालाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ मालाएं चमत्कारिक होती हैं, कुछ मालाएं दिव्य होती हैं, कुछ मालाएं औषधीय गुणों से युक्त होती हैं और कुछ मालाएं केवल आभूषण के लिए प्रयोग की जाती हैं। आज एक हम बहुत ही चमत्कारिक माला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम चांदी की माला कहते हैं। चांदी को आमतौर से लोग धारण करते हैं, लेकिन इसके गुणों को सभी लोग नहीं जानते। तो आज बात करते हैं चांदी की माला की। चांदी एक चमकीली व अमूल्य धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 47 व परमाणु द्रव्यमान 107.9 है। यह एक तन्य धातु है, अतः इसका उपयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक व ऊष्मा चालक धातु है। इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है, जो काले रंग की होती है। चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली मुख्य धातुओं में से एक है। चांदी को बहुत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई थी। ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। यह मध्यम मूल्यवान होने के कारण ज्यादा प्रयोग की जाती है। चांदी की माला के प्रयोग से मन मजबूत और दिमाग तेज होता है। चांदी की माला चंद्रमा की अशुभ स्थिति को समाप्त करती है। चांदी की माला शुक्र ग्रह की निर्बलता को भी समाप्त करती है और मन को प्रसन्न करती है। चांदी की माला शरीर में जमा विष को निकालकर त्वचा को कांतिवान बनाती है। चांदी की माला धारण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, चांदी हमारी रोजमर्रा की वस्तु है। चांदी सभी लोग धारण करते हैं, लेकिन अगर आप यह समझ के चांदी धारण करें कि इसकी माला धारण करने से हमें चंद्रमा की अशुभता से भी लाभ होगा, शुक्र ग्रह की स्थिति भी हमारी संभलेगी, शुक्र ग्रह की निर्बलता दूर होगी, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।